तो लाख भी बोल सकते हैं, करके दे दिखाना जिगर आना। आज ये हिदायतुल्ला खान पेट्रोल डाल लिया सो, अगर फिर से तुम्हें तकलीफ दिए बीजेट जमीर अहमद खान को, ऐसे हजारों लाखों हिदायत खान पेट्रोल डाल लेते। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। कल चामराजपेट के एमएलए बीजेड जमीर अहमद ख़ान के घर पर एसीपी की रेड लगी हुई थी। कल सवेरे से लेकर तकरीबन रात तक ये रेड चली। उसके दौरान जो है जमीर अहमद ख़ान के जो फॉलोअर्स हैं, कई सारे फॉलोअर्स वहां पर आए उनकी चाहत में कि एमएलए के साथ इस तरीके का जो मामला पेश आ रहा है, आए दिन जो मामला पेश आ रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए और ये क्या मामला है, देखने के लिए वहाँ पर उनके फॉलोअर्स आए। और उसके दौरान जो है वहाँ पर एक शख्स जो है, कल से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सारे न्यूज़ चैनल में हो, सारे पेपर्स में हो, एक वीडियो जो वायरल हो रहा था वहाँ पर एक हादसा हुआ था, जो एक नाम बार बार हर टीवी चैनलों में बताया जा रहा था, हिदायत अनमोल खान, जो वहाँ पर तकरीबन कई सारे लोग थे, कई सारे लोग इकट्ठा थे, कई सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, वहाँ पर लोग नारे लगा रहे थे। उसके दौरान हिदायत अनमोल खान ने अपने आप पर पेट्रोल डाल लिया था। पेट्रोल डालने के बाद वहाँ पर कई सारी मीडिया थी और कई सारे पुलिस वाले थे, उनको आकर वहाँ पर कंट्रोल कर लिया, या अगर कंट्रोल ना करते, कोई हादसा हो जाता तो शायद आज वो हमारे बीच नहीं होते। तो आज हम यहाँ उनके घर आए हैं और उनकी हालत जानने के लिए। लोग इस तरीके का जो अफवाह फैला रहे हैं कि हिदायत अनमोल खान जो हैं वो एक दिखावा कर रहे थे और ये दिखावा कर कर पैसे लूटने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं, और कई सारे चैनल्सों में ये भी दिखाया गया है कि वहाँ पर हाई ड्रामा चला है। इसकी हकीकत जानने के लिए आज हम यहाँ उनके घर आए हैं। चलिए जानते हैं और लोग जिस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि वो पैसे ऐंठने के लिए कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, चलिए देखते हैं उनकी घर की हालत कैसी है। और फिलहाल जो है हिदायत अनमोल खान जो हैं, चलिए जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में और उनकी फ़िलहाल हालत कैसी है। कल आपने खुदकुशी करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम।
जी ये आपने किस वजह से की? जमीर भी के फैन हूँ, अच्छे काम कर रही हूँ, इसीलिए उनको मीडिया भी बहुत तंग कर रही हूँ, इसीलिए उनको वैसे हमें कर रहे हैं जान दिया। सर ये करने से पहले एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि आपके भी घर है, आपकी बीवी बच्चे हैं? बेशक बेशक सोचे हमें, उनके उनसे बढ़कर कोई नहीं, उनसे कोई उनसे बढ़कर कौन भी नहीं, हमें करा दिल से करा हमें। मतलब आपने जो किया वो जमीर अहमद की मोहब्बत में, उनकी चाहत में, उनकी चाहत उनकी मोहब्बत हम करने मजबूर कर। यहाँ तक आपने अपने बच्चों को अपनी बीवी को कुर्बानी करने का फैसला कुर्बान कर दिया उनके ऊपर। सर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उसमें जो है पेट्रोल नहीं था, उसमें शरबत था, और अगर पेट्रोल था तो पेट्रोल बहुत कम था और पानी बहुत ज़्यादा था। नहीं बोलने वाले तो लाख भी बोल सकते हैं, करके दे दिखाना जिगर आना जिगर आना, क्योंकि ये यमसी जो रिपोर्ट है जगह देखो करना, जितने वहाँ मीडिया थे जितनी पुलिस थी सबको पूछो करना, आज भी बस वहाँ मौजूद है, आज भी बात मौजूद है बस वहाँ के, क्योंकि मैं रोड का इंसान नहीं हूँ, मैं भी जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं जमीन की चाहत में मैं जान देना आज भी हूँ, मैं कल भी हूँ, मैं उनके वास्ते उनके ऊपर आँच नहीं देता, सबसे पहले जान हमारी जाना, बाद में उनको जाना। सर कहीं ना कहीं लोग ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जी कि आप ये दिखावा कर कर जमीर अहमद के पास हो या किसी के पास हो पैसे ऐंठने के लिए, ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसा ऐंठना है मकसद, इसीलिए आप दिखावा कर रहे हैं, इस तरीके का लोग बता रहे हैं, क्या समझते हैं सर आप? जी जोर से बोलो। आप कहीं ना कहीं लगता है कि आप जमीर अहमद के पास हो या किसी दूसरे के पास हो जी, पैसे ऐंठने के लिए इस तरीके का ड्रामा किया है, ऐसा बता रहे हैं, तो क्या समझते हैं सर, क्या ड्रामा था, क्या हकीकत थी उसमें? अल्लाह के फजल करम, अल्लाह दिया सब कुछ मेरे पास है, धन है दौलत सब कुछ है पास, कोई बात की कमी नहीं है, मेरा सत्ता सब कुछ है, जमीर की जो उनकी चाहत जो गरीबों को करती है ना, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सबको करती है, लोग चलते ना उनकी चाह से, हम तो नहीं करता नहीं, क्या भी टेंशन नहीं, दूसरा कर रही है ना उनकी चाहत करो कर करो, मैं ये काम मैं अंजाम दिया, इस बात का मुझे दुख है, मुझे मैं फेर नहीं कर लिया, मैं दुख है मुझे फेर कर लिया, आपकी वीडियो में शायद देखेगा देख लो, दो बार मैं मिस कर रहा आगे डिब्बा मैंने पकड़ लिया इंशाल्लाह, तो बाद में फेर हुआ था मैं, मेरे एक मरने से उनको उनका भला हो रहा है तो इंशाल्लाह मैं मुझे खुश नसीब होता मैं अपने आप को, खुद से बोलता हूँ अपने आप को मैं। तो क्या सब था सर ये क्यों ड्रामा इस तरीके का है, क्या लोग आपको बदनाम करना चाह रहे हैं, क्या है ये बताएं? ना तो मैं राजनीति में हूँ मैं, ना तो मैं राजकीय में हूँ मैं, आदमी बोलना आदमी बोलते रहते हैं, उसमें क्या भी नहीं है, हाँ ये मेरी चाहत मेरी मोहब्बत उनके पास मेरे पास कुर्बान हूँ तो मैं भाई ना है मेरा सब कुछ, मुझे मेरे साले भी मेरे मेरे भाई सब कुछ कुर्बान होते हैं उनके ऊपर। सर भाई आपको अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है अभी? जी आपको क्या तकलीफ हो रही है अभी? मुझे ये कान पे ये आधा ऐसा मुझे कुछ काम नहीं कर रहा है, सुन रहा है ये आँखें है ना, अब तो अब तक मैं इसमें शायद देखेगा ना पेट्रोल आँखें घुसे मेरा, तो ये मीडिया रिपोर्ट है, अब जा रहा हूँ मैं, तो अब आगे तो उठ रहा हूँ मैं, आँखें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा ये चल रहा है मुझे ना, मुझे नज़र नहीं आ रहा किस बात पर, आपने पेट्रोल डाल लिया सिर पे, कोई ना कोई आंग पे डाल लेते हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी अक्सर तुम्हें शायद देखेंगा कई आदमी ढोंगी आदमी आंग से डाल के शो करते हैं, शो नहीं कर रहा मैं, दिलदा जिगरा नाम है मेरा, जिगर हूँ मैं, सिर्फ आपको देखें शायद देखेंगे मैं, क्योंकि मरने वास्ते टेक वास मैं जो भी बोल गया कि मैं शाम में नहीं आता हूँ, खुद जरूर बोल कर मैं चंग में नहीं आता हूँ, अभी देखा ना मैं सिर्फ डाल गया मैं प्योर पेट्रोल, फेयर करा फेयर नहीं हुआ, दूसरे आदमी शो करते हैं शो में नहीं है मेरा नाम नाम खान अनमोल नाम मेरा, इंशा उनके पास जामी दूँ वो डॉक्टर पास रिपोर्ट जाऊँगा मैं, जा रहा हूँ मैं डॉक्टर टेस्ट कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर तो थोड़ा कल बुलाया एडमिट होने बुलाया, जा रहा हूँ मैं जाके मैं इंशाल्लाह भाषा तो 90 लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सबसे पहली बात क्या है तो बीजेपी इस दफ़ा भी हार गई, पहली दफ़ा भी हारी इस दफ़ा भी हारी, गए बार पिछली दफ़ा ईडी रेट से हारी, ये बार एसीबी से रेट से हारी, तो इनकी चाल क्या चलेगा, तो वो एक कहावत है
क्या कहते कीड़े पहलवान गिरगा कहते वो भी एक एक्सरसाइज क्या कहते ख़त्म होगी। अब क्या भी इनके पास चारा नहीं है बीजेड जमीर अहमद खान साहब के बारे में बोलने के वास्ते, उसके वास्ते क्या करें इन्हों एक बी टीम बोलती मालूम हो बीजेपी एक बी टीम बना चाहे तो वैसा हमारे चलती मीर सादी खान को ले लिया हमारे छे मीर सादी खान वो मीर सादी खान को ले लो क्या करेगा तो अब अफवाह उठी क्या कहते इसमें शरबत था इसमें रूह अफजा था इसमें कौन की बोलती पाँच लीटर पेट्रोल में एक लीटर पेट्रोल डाल को पाँच लीटर पानी मिला डालेगा तो क्या क्या की चफ्फे उठा रही। मैं मीर सादी खान से बोलना चाहता हूँ अगर तुम्हारे अंदर में जिगरा है तो तुम्हें आको करो करने वाले को रोक रही क्यों यजमान के वास्ते ऐसे सौ जाना कुर्बान करने के वास्ते हमें तैयार हैं सौ जाना कुर्बान कर डाल दिया यजमान के वास्ते ये छोड़ डालो मीर सादी खां बीजेपी की बी टीम बन को तुम्हें नई नई सौ क्या मिले एफ उठा रही ऐसा कर रही वैसा कर रही वैसा रहता तो मौजूद मीडिया पूरी थी आजू बाजू मीडिया थी पब्लिक थे बीजेड जमीर अहमद खान साहब के चाहने वाले थे डिपार्टमेंट थी अगर डिपार्टमेंट इन्हों डाले है तो क्या तुम्हें बोल रही ना रूह अफजा का शरबत पानी मिला था लेकिन पेट्रोल में वैसा डाले रहते तो डिपार्टमेंट रोकती थी क्या डाले अब भी कहते शरबत डाले तो भी डाले कहते थे ना रोकते थे क्या डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पकड़ी सो फुटेज है वीडियो है मीडिया के पास चेक करो अब डिपार्टमेंट क्या झूठ बोल रहे है क्या चलो स्टेशन में जाको चेक करो पूरा पेट्रोल की बस कैसी है हमारी कार में पेट्रोल की बस वो कपड़े रखो ही हमें मालूम ये मीर सादी खां हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को छोड़े नहीं उतने बड़े हस्ती को छोड़े नहीं अब हम ना क्या छोड़ेंगे क्यों इतनी चाहत को तो एक खुलासा दिखा दूँ खाली खुलासा। कल एसीबी रेड चली रेड चल के आदमी अपने हालत में रखो अपनी परेशानी में रखो कोई कौन ऐसा शख्स कर सकता बोलो अपनी परेशानी में रखो फिर भी स्टेशन को उनके लायर को भेजे लायर स्टेशन तक आया स्टेशन को फ़ोन करके स्टेशन को भेजे लायर आया उनका लायर आको हमारे भोनीवी को पूरा छुड़ा के अरेस्ट कर लेके गए थे वहाँ से छुड़ा लेके बुला ले गए ऐसा ड्राइवर किसे तो मिलता है कहाँ है दिखाओ। कल अपना हमारी बहन को बोल के घर से निकले सो क्या बोल के निकले अगर मैं अब जा रूँ घर को मैं वापस आता नहीं तो कल रात से हमारे घर में रोना है हमारे घर में बच्चों का रोना है। ये मीर सादी खान से पूछना चाहता हूँ अगर आग लग जाती तब क्या बोलते तुम तब भी पेट्रोल ये बोलते क्या नहीं पेट्रोल में पानी मिला डाले रूह अफजा का शरबत ये सब बेवकूफ मीर सादी खां तुम ना अल्लाह इंसानियत नाम की चीज़ दिए नहीं मैं क्या भी सपोर्ट ले को बोल रहा हूँ नहीं हमारा भोनी को तो इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ सो जो आदमी करया वो आदमी की फिक्र करो अगर आग लग जाती तो उसके बच्चों का क्या होता वो छोड़ को मीर सादी खान तुम्हें दूसरे बातें ये डाल ले रही वो डाल ले रही ये कर डालेंगे तो डिपार्टमेंट झूठी क्या अगर वैसा नहीं रहता तो कपड़े क्यों काटते डिपार्टमेंट अगर ड्रामा रहता तो स्पॉट बोर्ड कपड़े काटे आज ये मीडिया अरेस्ट तक करे आज मीडिया दूसरे फोटेज दिखा रही है ऐसा ड्रामा चलिया वो चलिया ये सब बंद कर दो सब खत्म कर दो इंसानियत के नाते अगर इंसानियत से सोचो तुम्हें अगर आग लग जाती तो क्या होता था वो तो जान देने गए थे इंशाल्लाह आखिरी सांस तक बीजेड जमीर अहमद खान साहब के वास्ते हमारा घर का घर कुर्बान बेशक सैकड़ों क्या लाखों को मदद किया है बीजेड जमीर अहमद खान साहब का नाम कर्नाटका में नहीं पूरे इंडिया में छाने वाले हैं जगह जगह तुम मैं देख रही निश्ता हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा कि वो हर बार हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब मिलते सो दूसरे नहीं क्या दूसरे MLA नहीं क्या कि वो बीजेपी के आज तक एक लीडर के ऊपर रेड नहीं पड़ा सो बीजेपी छोड़ डालो अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है फेस करने के वास्ते ये तुम्हें बैगांगे जो बोलती है अदमियाँ चूड़ियाँ पहनने के काम छोड़ डालो जो है फेस सामने से करो ऐसे रहबर को तुम्हें तकलीफ दे रही होशियार नेक्स्ट तुम्हें करे फिर करे बीजेपी वाले आज एक हिदायतुल्लाह खान पेट्रोल डाल लिया सो अगर फिर से तुम्हें तकलीफ दे बीजेड जमीर अहमद खान को ऐसे हज़ारों लाखों हिदायत खान पेट्रोल डाल लेती।